हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो नंबर 9 बना रहा हूँ और वीडियो नंबर 9 में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो स्टार्ट राइटिंग नोट्स, ओपन योर कॉपी नोटबुक एंड इट इज आई एम मेक इज हर केमिस्ट्री क्लासेज। सो राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं पढ़ाऊंगा पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विदाउट रिमूविंग वाटर, विदाउट elimination of water molecule, without कैसे लिखो, without formation of water, दूसरा nucleophilic addition reaction, which is the formation of water, third reduction reaction, fourth oxidation reaction, मतलब reduction of aldehyde and ketones, oxidation of aldehyde and ketones, इसमें पढ़ाया जाएगा oxidation by tollens reagent, oxidation by ferrin solution, reaction with Benedict solution, reaction with Schiff reagent and high aldol condensation or reaction due to alpha hydrogen, aldol condensation or reaction due to alpha hydrogen, or fifth distinction between aldehyde and ketones on the basis of methyl ketonic group या iodoform test। ये 6 पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं, इसी में यह पढ़ाया जाएगा कि व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एंड रिएक्टिव कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी विद फॉर्मल डिहाइड्रेटेड एल्डिहाइड
and so on, many there are many distinctions. ये पढ़ाया जाएगा तो बात पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता क्यों है, एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों देता है, और ये रिएक्शन वीक एसिड के प्रेजेंस में ही क्यों होता है. अगर वीक एसिड के बदले में स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तब क्या होगा. तो पहले समझते हैं इसको. फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन द रिएक्शन इज The reaction is carried out in presence of weak acids, not in presence of strong acid. ये होता कैसे, इस मैकेनिज्म क्या है. सपोज करो जैसे ये एल्डिहाइड है सी डबल वन ओ एच, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे छह हाइड्रोजन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है तो आर सी ये ओ दो ये एक ये माइनस हो जाएगा और ये कार्बन प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये प्लस यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा, तो ये आर सी ओ माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल चलाएगा, ये एच रहेगा, अब की बार ये एच प्लस इस पर अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो आर सी ये ओ एच ये एच ये है. दिस इज ए स्लो स्टेप. इस स्टेप की स्लो सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आर डी एस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. दिस स्टेप इज फास्ट. क्लियर. अब इसमें होता क्या है कि इसमें एसिड जो है हाइड्रोजन, इसका क्या रोल है एसिड का. फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ एच प्लस. ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के स्पीड को बढ़ाता है और कंसिक्वेंटली न्यूक्लियोफाइलिक अटैक को इनहेंस करता है. कैसे, ये सी ये आर, हम यहां पे कीटोन बनाते हैं अभी, ये आर डबल वन ओ ये ऐसे है, यहाँ पे एच प्लस अटैक करेगा तो कार्बोनाइल कार्बन को एक ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेटेड कर देता है. इसे आर सी ये आर यहाँ पे ओ और ये H यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन में जुड़ गया. दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप. प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप
अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को फास्ट करेगा सो दैट ये कार्बन ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, इसको ये फास्ट करेगा, फास्ट करेगा। तो ये आर सी, ये आर यहाँ पे, ये ओ एच, ये इलेक्ट्रॉन चला आया, ये प्लस हो जाएगा। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आर सी आर ये नू जैसे ओ एच, क्लियर आ गया। मतलब वीक एसिड का प्रोटॉन को, उस प्रोटॉन को पहले ये ऑक्सीजन कैप्चर करेगा, करता है और इसे ये प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है। और ये प्रोटोनाइल कार्बन जो ऑक्सीजन है, ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को फैसिलिटेट करता है। ये इसको ऑक्सीजन की चूंकि निगेटिव है, ऑक्सीजन चूंकि पॉजिटिव है, स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। नेचुरली ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, या कार्बन जितना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी आसानी से यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। क्लियर? तो पर लिख देते हैं कि द एच प्लस गिवन बाय द वीक एसिड फॉर्म्स प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन विच मैक्स द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फास्टर एंड पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन इज फॉर्म व्हिच फैसिलिटेट्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्लियर? ये प्रोटॉन का ये रोल हो गया, इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिए, थोड़ा मिटावे, इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं और इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कि why we take weak acid, why not strong acid? weak acid क्यों लेंगे, strong acid क्यों नहीं लेंगे? हम जानते हैं कि strong acid is highly ionizable और it gives more and more proton, और ज़्यादा proton देगा तो ये जो प्लस है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उस न्यूक्लियोफाइल के साथ इसे कन्वर्ट कर सकता है। ज्यादा एच प्लस लाने से ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है उसको खुद अटैक कर लेगा, इसीलिए डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा,
इसीलिए इन ऑर्डर टू लेसन द अमाउंट ऑफ प्रोटोन और एच प्लस आयन वी एसीडी टेकन, लिखते हैं इसमें कि द रिएक्शन इज कैरेड आउट इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड कॉमा नॉट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड. It is because more H plus iron is formed then it may attack to the nucleophile. ये nucleophile पर ही अटैक कर लेगा, इसलिए वीक एसिड लिया जाता है. सो दैट कम से कम प्रोटोन बने. अब तीसरी बात है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, ये जो प्रोटोन ये जो है, मैंने ये बनाया था इसमें कि ये आर सी डबल बॉन्ड एच, यहाँ पे ये इसमें जब लेता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जब जाता है ड्यूटेरोटोमेरिक इफेक्ट, तो इस आर को 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है. आर को ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यह ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक दिस ऑक्सीजन. इसलिए ओनली न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑकर्स, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सुविधा में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स है. पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाने के पहले इन बातों को जानना जरूरी है. लिखते हैं थर्ड में कि द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन does not occur because the carbonyl oxygen has octet configuration, so no scope for addition reaction for electrophilic attack. There is only one scope for nucleophilic attack.
time. Clear? Now, fourth point. ये सब भी मैं पढ़ा रहा हूँ. न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उसको बता रहा हूँ. अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो कि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दो बातों पे. एक तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इस पर उतना ज़्यादा ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जितना ज़्यादा ये कार्बन पॉजिटिव होगा. सबसे पहले रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इस पॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन पे. दूसरी बात, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टीरिक हिंड्रेंस पे. बल्कि ग्रुप ज़्यादा रहेगा इस कार्बन के अगल बगल में, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा ज़्यादा अल्काइल ग्रुप का भीड़ होगा, अटैक कम होगा और रिएक्टिविटी घटेगी. क्लियर? तो इन दो बातों को इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव है. तो लिखते हैं द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन depends upon first a steric hindrance, दूसरा positivity, दूसरा पॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, पॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, स्टीरिक हिंड्रेंस. अब इसको मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, मिटाएंगे इसको ऊपर वाला. तो अब इसको हम लिखेंगे कि देखते हैं, पहला तो स्टीरिक हिंड्रेंस को लिखते हैं पहले ए. फर्स्ट स्टीरिक हिंड्रेंस ट्रायंगुलर प्लैनर. अब इस पे जब अटैक होगा, जब यहाँ आता है ये शिफ्ट करेगा इधर, तो ये R C हो जाएगा प्लस, इसी O, इसे
माइनस। अब इस पे कोई अटैक करेगा आर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस तरह से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस तरह अटैक करेगा तो इसकी ज्योमेट्री चेंज कर जाएगी, ये होगा इसकी ज्योमेट्री क्वाइट चेंज कर जाएगी, ये इधर हो जाएगा ओ माइनस, और जैसे ओ माइनस और जैसे न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिलर से टेट्राहेड्रल हो गई, इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिलर से टेट्राहेड्रल हो गई। यहाँ न्यूक्लियोफाइल है ये न्यू, इसको न्यूक्लियोफाइल है, और ये यहाँ पे आर, ये आर और ये ओ, ये सेम है, टेट्राहेड्रल हो गया। अब अटैक के भी जब होगा, अटैक जब करेगा उतना ज्यादा ये बल्कि ग्रुप होगा, अटैक घटेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। तो लिखते हैं कि ड्यू टू द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल the geometry of aldehyde or ketone changes from triangular planar to tetrahedral, a tetrahedral, triangular planar to tetrahedral, the bulky group, the presence of bulky alkyl group hinders the nucleophilic attack, इसलिए क्या हो जाएगा, सो रिएक्टिविटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस का कंपैरिजन इसको मिटावे comparison of nucleophilic
comparison of nucleophilic addition reaction among aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. ये aldehyde है, this is RC double bond O single bond H. This is aldehyde. This is ketone RC double bond O R dash. This is ketones. हम देख रहे हैं कि कार्बोनाइल कार्बन में यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है या दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भीड़ बढ़ी हुई अल्काइल ग्रुप का, इसलिए इसे लेस रिएक्टिव कहा गया है. एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन कीटोन्स. फिर देखेंगे कि ए बी में एमोंग एल्डिहाइड्स ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल डिहाइड है. दिस इज एसिटल डिहाइड, दिस इज प्रोपेनल डिहाइड. एसिटल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड. यहां पे बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है, नेचुरली रिएक्टिविटी घटेगी. इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे हम फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट पर भी रिएक्टिविटी चेंज होती, घटती बढ़ती है, असर पड़ता है उसका, अभी उसको बाद में करेंगे. तो ये देख लिया कि एल्डिहाइड्स फॉर्मल डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव देन ऑल द डिहाइड्स. सी एमोंग एरोमेटिक C double bond O, single bond H, बेंजल डिहाइड. और इसका अगर हम कीटोन लेते हैं C double bond O, इसे एसिटोफेनन. नेचुरली यहां भीड़ बढ़ रही है, इसलिए बेंजल डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटोफेनन. मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, aromatic aldehydes are also more reactive than this aromatic ketones. D में ये है C double bond C aromatic aldehydes, या इसको हम कीटोन करें एसिटोफेनन, और ये बेंजोफेनन. एसिटोफेनन और ये है बेंजोफेनन. दिस इज एसिटोफेनन, दिस इज बेंजोफेनन. ये भी कीटोन, यह भी कीटोन, एसिटोफेनन और बेंजोफेनन. में देख रहे हैं कि ये देर आर टू बल्की ग्रुप्स, नेचुरली बेंजोफेनन इज लेस रिएक्टिव देन एसिटोफेनन. तो अभी बताया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस वी कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Various ketones and among aldehyde and ketones. This is the on the basis of esteric hindrance. Clear? अब reactivity depend करती है inductive effect पर ही. Clear? इसको next video में करेंगे, reactive अब करेंगे कि reactivity of
aldehyde and ketones on the basis of inductive effect. उसमें समझाएंगे कि aromatic aldehyde aromatic ketones में कैसे compare करेंगे. तब तक इसको पढ़ो, पढ़ाई करें, नोट्स तैयार करें. ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय.